बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार आपको व्हाट्सएप किया होगा, मैसेज किया होगा कि आप एलडीपी प्रोग्राम में आ रहे हो तो आपको फॉर्मल में आना है। बताया था कि नहीं बताया था? तो जितने लोग फॉर्मल में आ गए वो लेके एक बार जगह पर खड़े हो जाइए। अपने जैसे थे वैसे है और वैसे ही रहेंगे। तो ये बेसिक चीजें होती है जो हमें समझनी होती है। ये सीरियसली चीजों को मैं थोड़े मजाक में आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन ये सीरियस नोट्स आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो। आप जैसे दिखोगे वैसे आपकी कंपनी को लोग अज्यूम करते हैं। ये आपको पता नहीं है, ये आपको कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये होता है। कई लोगों को राजकोट में पता होगा, उनकी गाड़ी देखकर उनके साथ डील की जाती है, उनकी पर्सनालिटी देखकर उनके साथ डील की जाती है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये इंडिया का कल्चर है, फॉरेन का कल्चर ऐसा नहीं है। वहां तो चड्डी पे और टी शर्ट पे ही लोग पहुंच जाते हैं बिजनेस करने के लिए, और अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, क्योंकि वहां का माइंडसेट जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर बात होती है। यहां पर जो होता है वो देखने के ऊपर बात होती है। इसलिए जब हम शादी करने के लिए, जब लड़की देखने के लिए जाते हैं तो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं? जब शादी होती है उस दिन हम कितने तैयार होकर जाते हैं? घोड़े वोड़े सब लेकर जाते हैं कि भाई युद्ध करने के लिए आया, तलवार भी साथ में होती है, होता है। तो ये सारी तैयारी अगर वहां हो रही है, बिजनेस में क्यों नहीं? सोचने की जरूरत है। सेकंड गलती जो हम लोगों से होती है वो होता है मिसमैनेज फंड। पैसा आता है, पैसा कमाते भी है, लेकिन उस पैसे को जो संभालना होता है, उसकी टेक केयर करनी होती है, वो हम कर नहीं पाते। और उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है? डोंट हैव प्रायोरिटीज फॉर बिजनेस। हम ऐसा समझते हैं धंधा मेरा है, पैसा मेरा है, डिसाइड मैं करूंगा इस पैसे को मुझे कहां लगाना। फिर पैसा कमाने के बाद क्या होता है? गाड़ी आ जाती है, घर भी हो जाता है, बैंक बैलेंस भी हो जाता है, फॉरेन ट्रिप भी हो जाती है, और एक गुजराती में शू कहवाय, वाड़ी, फार्म हाउस, एक फार्म हाउस भी हो जाता है। लेकिन जब हम उनको बोलते हैं सर अब दूसरा शोरूम करने का टाइम आ गया है, सर नई फैक्ट्री डालने का टाइम आ गया, सर नई ऑफिस बनाने का टाइम आ गया, सर हाथ डाल के देखो साला पैसा ही नहीं, देखो है ही नहीं, फिर उनके वो बात होती है। मैंने कहा गया का सर इधर उधर, कुछ जगह तो अभी और इन्वेस्ट करके रखा है जहां होने वाला है डबल, लेकिन धंधे के लिए जो होना चाहिए वो है ही नहीं। फिर इन लोगों का दूसरा माइंडसेट क्या होता है? डोंट हैव एक्सपेंशन प्लान। आज की तारीख में ऑनलाइन कंसल्टिंग के अंदर एक कंपनी के साथ में बात कर रहा था, उस पर्सन ने पिछले 15 साल से एक रिटेल आउटलेट ओपन करके रखा है। मैंने उसको बोला सर 5 साल का क्या विजन है? बोलता है कोई विजन नहीं है सर, इसी को चलाना है और इसी के साथ मरना है, क्योंकि उम्र भी उसकी 60-65 की हो चुकी है। मैंने बोला सर इस तरीके से आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। तो बोला सर एक्सपेंशन करना ही नहीं है, इसी को चलाना है। तो मैंने कहा सर मेरी आपको जरूरत नहीं है, फिर सिंपल है। मैंने कहा सर आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि उस इंसान का माइंडसेट क्या बन गया बताए? इनकम होती है 3 लाख, खर्चा होता है 1 लाख, रहता है 2 लाख, तो वो 2 लाख में मजे उसकी मजा है उसमें, और वो उसी में खत्म हो गया, क्योंकि उसकी सोच वहीं पर पूरी है। अब उससे आगे वो सोच ही नहीं पा रहा है, और उसके बिजनेस में वो पोटेंशियल है कि वो 10 आउटलेट डाल सकता है, 100 लोगों को काम पर लगा सकता है और अपनी कंपनी को 100 करोड़ की कंपनी बना सकता है, लेकिन वो विजन ही उसके माइंड में नहीं आ रहा है एक्सपेंशन का, कि वो बड़ा कर सकता है। फिर मैंने पूछा सर वजह क्या है, वजह तो बताओ। तो बोलता है सर वजह यह है कि एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाऊंगा ना तो मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा शुगर बढ़ गया है, मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई है। तो सर, तो बोलता है सर अपना सिंपल फॉर्मूला है, नीचे दुकान और ऊपर मकान, 12 बजे उतरते हैं काम करते हैं, 2 बजे फिर चले जाते हैं,
फिर 4 बजे उतरते हैं, काम करते हैं, फिर शाम को ऊपर चले जाते हैं, तो उसका माइंडसेट उधर ही खत्म। एक्सपांशन का प्लान आप लोगों के पास होना चाहिए। एक जगह अगर आपका डेवलपमेंट हो चुका है, बेहतर अगर आप काम कर रहे हो, तो बड़ा क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ा करो, और बड़ा करने की ताकत हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन वो सोच ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेन आएगा, पैसा डालना पड़ेगा, नई चीजें करनी पड़ेगी। फिर क्या होता है, रिमूव हो जाता है कैपिटल फॉर बिजनेस। हम खुद एक दीमक की तरह बन जाते हैं अपने धंधे के। और दीमक का काम क्या है बताएं? अगर उसको लकड़ी मिल जाए तो वो लकड़ी की हालत क्या कर देगा? ऊपर से तो सब टकाटक और अंदर से सब खाली। तो हम खुद कई बार ऐसे बन जाते हैं, अपना ही पैसा अपने ही धंधे का हम निकाल देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। फिर क्या गलती होती है? कई लोगों के पास बैकअप प्लान ही नहीं है कि आज अगर आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट है, ना करे भगवान को जैसा हो जाए कोविड जैसा जिस टाइम पर हुआ था, तो उनके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है। अब बैकअप प्लान नहीं है तो होगा क्या? वाइंड अप, लास्ट ऑप्शन फिर वही बचेगा, वाइंड अप। और कई लोगों के वाइंड अप हो गए हैं कोविड के अंदर, तो हमें यहां से बचना है। तीसरी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि आज एक बिजनेसमैन की गलती और क्या होती है, डोंट हैव क्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो लास्ट सेशन में आपको बताया गया था, कंपनी होती है, ओनर होते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर एचओडीज होते हैं, उनके अंडर में टीम होती है। लेकिन ऐसा कुछ ना होने के कारण सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहले तो कोई डिजाइन करता ही नहीं है या सोचता ही नहीं है कि इस साल मुझे कैसा स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। जो सिंगल बंदा भी काम करने वाला अगर आज धंधे के अंदर है, उसको भी डिसाइड करने की जरूरत है कि इस साल के एंड में एटलीस्ट मैं 2 लोगों को तो हायर कर ही लूंगा, 2 नहीं तो 5 को तो ले ही लूंगा, 5 नहीं तो 10 को तो ले ही लूंगा। कुछ ना होना तो एक तो बंदा मेरे अंडर में होना चाहिए जिसको मैं तैयार करूं, नहीं तो होगा क्या बता है? जब तक आप हो, जब तक है जान, आपका बिजनेस रहेगा। जिस दिन ये जान खत्म, बिजनेस खत्म। फिर क्या दिक्कत हो जाती है? जब स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्लियर ही नहीं होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, लेकिन आज भी क्लियर नहीं है कि कौन सा काम करेगा कौन, क्योंकि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को बांटी ही नहीं है, किसी को दिया ही नहीं है। तो जिसको जो समझ में आता है वो सब करते हैं। मैं बहुत सारी जगह जब कंसल्टिंग करता हूँ, कंसल्टिंग के अंदर जाकर मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि सर आप पूरे दिन में करते क्या है, तो बहुत सारे लोग अपना रूटीन ये बताते हैं, सर जो काम सामने दिख जाए ना वो सब मैं करता हूँ। तो मेरा माइंडसेट वहां पर क्या होता है बताओ? जो बंदा ऐसा बोलता है धंधे में जाके कि मुझे जो समझ में आई या जो दिखे वो मैं करता हूँ, इसका मतलब इससे कोई बंदा या ये बंदे से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो पूरे दिन में कुछ करता हो। ये खाली वाली बात कर रहा। और कई लोग बिजनेस में ऐसा बोलते हैं, ये काम जो है ना, ये 10 काम हम सब करते हैं। तो इसका मतलब भी ये समझने का, 10 करते हैं इसका मतलब क्या होता है बताएं? कोई नहीं करता। और जब काम नहीं होता है फिर क्या होता है? ब्लेम होता है, ये तो आपको बोला गया था, आपको करना था, आपने नहीं किया।